श्रद्धे पूजपाद सदगुरु हमसे छोटे सरकार दमोह में आधुनिक बस स्टैंड निर्माण का भूमि पूजन करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार की सुबह दमोह पहुंचे। यहां उन्होंने एक बार फिर हिंदुओं को जागने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू एक नहीं होंगे तब तक भगवान राम की यात्रा पर ऐसे ही पत्थर फेंके जाते रहेंगे। पंडित शास्त्री ने कहा कि इस बार पूरे देश में उत्साह के साथ रामनवमी मनाई गई। हम आपको जगाने का काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि हम कट्टर हैं। हम कट्टर नहीं हैं, लेकिन फिर से रामनवमी पर देश में पत्थर फेंके ना जा सकें। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, हावड़ा में सब जगह विचित्र स्थितियां हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि अब हिंदुओं को जागना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, ताकि कोई भी राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंक सके। गौरतलब है कि सागर जबलपुर स्टेट हाईवे पर पावर ग्रिड के सामने 12.5 एकड़ जमीन पर आधुनिक बस स्टैंड बन रहा है। यह सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और बाकी अन्य कार्यों के लिए 1 साल का समय और मिलेगा। भूमि पूजन के अवसर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नए बस स्टैंड का नाम श्री जागेश्वर नाथ बस स्टैंड की घोषणा की। साथ ही उन्होंने मंच से ही श्री जागेश्वर नाथ महादेव को बांदकपुर धाम में कथा सुनाने का संकेत किया। समारोह के दौरान पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया, पथरिया के पूर्व विधायक लखन पटेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय जन मौजूद रहे। अच्छी बात है, बनना चाहिए, सबका हित हो, सबके भले के साथ हो, हम तो यही मंगल कामना के साथ निकल रहे, तो बैठ रहे, बहुत आनंद आया। फिर कभी हम दमोह जाएंगे, फिर भगवान की कथा सुनाएंगे। जागेश्वरनाथ को अब सुनाने का मन है। हमारी ना हमारी मूल के मूल 16 रुपए से कम नहीं लगे, 16 रुपए लगे, बोले 16 तो हम पर 8 दे। दुकानदार को बड़ी गुस्सा आई, कितना मूल रखा आदमी, 8 नहीं तो ये सब झंझट छोड़, 12 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लगे। अब 12 में तो ले ही जा, इतने से कम तो मैं कोई दुकान में दे ही नहीं सकता, हमने सबसे कम दिया 12 रुपया। बोले 12 हम तो 6 देंगे। दुकानदार बोला यार बहुत नालायक आदमी, सुबह सुबह हमारी बोनी खराब कर रहे, सुबह सुबह आ गए प्राण खान, चलो 10 दे ले जा, 10 हम तो 5 देंगे। दुकानदार बोला फ्री में ले जाओ, 5 क्यों दे रहे, फ्री में ले जाओ। बोले फ्री तो हम एक और लेंगे। दमोह से मनोहर शर्मा की रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।